गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए, कोई ईगल लिमिटेड है, 3000, 10% डिवेंचर 100 इच है, दैट इज 3 लाख रुपीज। डेट है 31 मार्च 16। दीज डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन 31 मार्च 17 में, इसको रिडेम्पशन करना है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 40,000 बैलेंस है। तो एज पर रूल्स, अगर डिवेंचर हम लोग का 3 लाख का है तो 3 लाख का 25% DRR होना चाहिए, दैट इज 75,000। DRR में 40,000 है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में देखिए आप 40,000 है, और जबकि रूल्स के हिसाब से 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होना चाहिए, 75 होना चाहिए, 40 है तो और 35,000 DRR में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, इसके अलावा इन द ईयर 17 डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है तो हमको बिगनिंग में 15% रिडेम्पशन का 15%, दैट इज 45,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा, और एंडिंग में उसको सेल कर देंगे। बिगनिंग में परचेज करेंगे और एंडिंग में सेल कर देंगे 15%, 3 लाख का, दैट इज 45,000। तो ये हुआ रूल्स। तो जितना का डिवेंचर है उसका 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में होना चाहिए, 75, 40 है और 35 ट्रांसफर करेंगे। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन बिगिनिंग में 15% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को एंडिंग में सेल करके डिवेंचर को रिडीम कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए बोला है जर्नल एंट्री कंप्लीट द रिडेम्पशन। ठीक है, चलिए इसका एंट्री पास करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग 2016 मार्च 31 वो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आपका 75 होना चाहिए, 40 है तो 35 ट्रांसफर कर दिया। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 75 होना चाहिए, 25% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर, 3 लाख का 25% 75, 40 था, 35 ट्रांसफर कर दिए। रिडेम्पशन बोला है 31 मार्च 17, तो हम लोग को अप्रैल 1 16 में इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे 15%, 3 लाख का 15% होता है आपका 45,000। ओके, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल
वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड, जितना का डिवेंचर रिडीम्ड होगा दैट इज 3 लाख, 3 लाख का हम लोग को 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, ओके। अब हम लोग रिडेम्पशन के समय में इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, रिडेम्पशन कहने का मतलब 2017 मार्च 31 इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, रिडेम्पशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडेम्पशन के टाइम में उसको सेल आउट कर देते हैं, ओके। अब डिवेंचर को ड्यू करके रिडीम कर लेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 3 लाख, ओके, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे भी कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 3 लाख, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। रिडेम्पशन के बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो पैसा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 उसमें है टू जनरल रिजर्व अकाउंट 75,000, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ओके। तो एक बार आप एंट्री शुरू से देख लो, सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में DRR में 25% ऑफ डिवेंचर होना चाहिए, 3 लाख का 25% दैट इज 75,000 होना चाहिए, वहां पे ऑलरेडी 40,000 था तो हम लोग और 35,000 ट्रांसफर का एंट्री कर दिए। अब देखो यहाँ पे DRR में 40,000 था, 3 लाख का डिवेंचर है, 25% 75 होना चाहिए और 35 ट्रांसफर कर दिए, तो एंट्री कर दिए स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन पहले इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, जितना का रिडेम्पशन होगा उसका 15%, 3 लाख का 15%, 45 का इन्वेस्टमेंट खरीदे, रिडेम्पशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, ओके। डिवेंचर ड्यू किए 3 लाख ड्यू किए, डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए और DRR का जो बैलेंस था जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिया, रिडेम्पशन के बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू, बाय।